तुरशावा बागा के लिए नर्सरी की बहुत अहमियत है क्योंकि जो तुरशावा बागात के पौधे हैं ये बीच से अगर तैयार किए जाएँ तो ये सही नस्ल नहीं होते तो सही नस्ल पौधा तैयार करने के लिए इसे गैर नबताती तरीके से हम तैयार करते हैं तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है रूट स्टाक ये नर्सरी की तैयारी में दो हिस्से होते हैं इसके एक जो है जो जो ऐसा जड़ वाला है उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं और दूसरी जो उसके ऊपर पेबंद करते हैं उसको हम साइन कहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम उसकी रूट स्टॉक तैयार करते हैं और उसके लिए एक प्लाट एक अलहदा बुलाग तैयार करते हैं उस बुलाग पर जब वो फलावर हो जाता है तो उस बुलाग से हम फल लेते हैं जो कि तकरीबन अगस्त के महीने में उसका बीज जो है वो इस काबिल होता है कि अगर उसको अलीहदा निकाल लिए जाए तो उससे सीडलिंग है वो तैयार की जा सकती है तो हम आ, उस पौधे से फल इकट्ठा कर लेते हैं इसके बाद हम तकरीबन उसको एक हफ्ता के लिए रख देते हैं ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए जब वो नरम हो जाता है तो उसके बाद उसको काट के उसमें से उस काटने के बाद उसको मशीन के जरिए उसमें से बीज अलहदा कर लेते हैं बीज को अलीहदा करने के बाद उसको सय में सुखा लेते हैं सुखाने के बाद कोई भी मुनासिब जो फफूंदी कुछ दवाई है उसको लगा देते हैं ताकि वो जब उसकी बिजाई की जाए तो वो बीमारी वगैरह से महफूज रह सके उसके बाद हम बेड तैयार करते हैं उसमें हम उसकी बिजाई कर देते हैं तो बेड जो है वो जिस मिट्टी से तैयार किया था उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी मिट्टी उसमें शामिल ना करें कि पानी लगाने के बाद वो सख्त हो जाए तो उसके साथ में छोटी सी खाली भी बना दें ताकि उसमें जो ज़्यादा वाफिर पानी अगर आ भी जाए तो वो आसानी से निकल जाए दूसरा जो वर्कर उसमें काम कर रहा है वो भी साथ में उसके आसानी से काम कर सके पहले पहले हम उसको बेड को तैयार कर लेते हैं बेड तैयार करने के बाद उसकी उसके ऊपर लाइनें लगा लेते हैं लाइनें तकरीबन बीज के साइज़ से दो गुना गहरी कर लेते हैं उसके बाद बीज को हाथ से केरा करते हैं केरा करने के बाद उसके ऊपर उतनी मिट्टी डाल लेते हैं ताकि ऊपर की सतह जो है वो बराबर हो जाए तो इस तरह जब वो बिल्कुल बराबर हो जाती है तो उसके ऊपर फवारे के ज़रिए पानी लगा देते हैं लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मैं ये वजहत कर दूँ कि ये जो प्रोसेस है ये हम जदीद तरीके पर एक स्ट्रक्चर या शेड के अंदर कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि जब बीच से पौधा निकलता है तो वो बहुत मतलब नाजुक किस्म का होता है तो उसको कीड़े वग़ैरह से और बीमारियों से बचाने के लिए ये जो जाली नुमा जाली का बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर है इस इसकी वजह से वो कीड़े उसको विजिट नहीं कर सकते उससे महफूज रहते हैं और वो पौधा जो है जब वो आ, अगले मरले के लिए तैयार होता है तो वो बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों वग़ैरह के उससे महफूज होता है चूँकि ये बिजाई का जो अमल है ये सारा तकरीबन हम सर्दियों में कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब ये बेडों पर इसके बीज की बिजाई मुकमल कर लें तो इसके बाद इसको ऊपर से पोलीथीन शीट से कवर कर दें ताकि इसका जो टम्परेचर और नमी है वो तकरीब मेंटेन रहे और इसको मुनासिब धूप और मुनासब टम्परेचर इसका इसके अंदर मुनासब रहे क्योंकि तो ये हमारा तहकीकती इदारा है तो हम मुख्तलिफ़ात में इसके मीडिया के और पनीरी को उगाने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात भी करते रहते हैं तो उसी की एक कड़ी ये है कि हमने इसको ट्रे में मीडिया भर के उगाया है तो इसमें इसकी हम इसका उगाओ और इसकी जो मजीद जो है तीन चार महीने में इसके बढ़ोतरी के मराइल उनको भी हम स्टडी करें सक्रीन हाउस में तुरशावा बागात के लिए जो पौधा तैयार किया जाता है या नर्सरी तैयार की जाती है तो उसमें जो बुनियादी चीज है वो है जो गमले के अंदर या पोलीथीन बैग के अंदर हम जो मीडिया तैयार करते हैं वो किस तरह तैयार करते हैं तो उसके लिए ये तीन किस्म तीन अज्जा हैं मीडिया के एक जो गले सड़े पत्तों का जो है वो उसको हमने ग्राइंड किया हुआ है उसके साथ रेत है इससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और रेत से जो है तकरीबन ये एक साथ जुड़ेगा नहीं इसमें थोड़ी सी निकासी पानी की अच्छी होगी इसके साथ ये हमने भल कहते हैं ये हमने नहर से मंगवाई है तो इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं इनके रेशो जो है वो तकरीबन सेम रहती है इनको एक जगह इकट्ठा करने के बाद इनको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से ताकि ये मिक्स हो जाए और इस इसको मिक्सिंग के बाद इन पोलिथीन बैग में भर देते हैं और इसके बाद जो हम बिजाई के बाद जो हमारे पास पौधा तैयार होता है इसमें शिफ्ट कर देते हैं या पनीरी बेड पर उगने के बाद तीन चार इंच की लंबाई तक पहुंच जाती है तो पानी लगा के हम वहां से जड़ों समेत पौधा निकाल लेते हैं उसके बाद पॉलीथीन बैग्स जो कि पहले मीडिया से भरे हुए होते हैं उनमें किसी लकड़ी या लोहे की सलाख से सुराख करके वहाँ पे इनको लगा देते हैं और उसके बाद इसको पानी लगा देते हैं ख्याल रहे कि जितनी देर तक ये पौधा खड़ा नहीं हो जाता उस वक्त तक थोड़े थोड़े वक्फे से इसको पानी लगाते रहें ताकि मीडिया जो है उसमें नमी मौजूद रहे दुनिया में भी और अब पाकिस्तान में भी इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया है कि जो हम पौधे नर्सरी में तैयार करें वो बीमारियों से पाक हों तो वो इसी सूरत में हो सकते हैं कि हम उनको जितने हद हाँ तक कंट्रोल कंडीशन में उगाएंगे तो वो पौधे जो हैं वो बीमारियों से पाक होंगे पोलिथीन बैग में ये पौधे तैयार करें और उस जो उसमें जो मीडिया है वो भी ऐसा इस्तेमाल हो जो बीमारियों से पाक हो उसके अलावा जो हम पानी जिस तरह स्प्रिंकलर वगैरह से स्क्रीन हाउस में दिया जाता है उसमें भी बीमारियाँ कम से कम हों और जो बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो माइक्रो न्यूट्रन्ट्स हैं या जो ये इनपुट्स जो भी जिस किस्म की भी हैं माइक्रो न्यूट्रीन्ट्स के हैं या माइक्रो न्यूट्रीट्स की हैं वो हा ता, ताकि बसानी तरीके से अप्लाई भी कर सकें और मकर्र मकदार में दे सकें ये उसी सूरत में है कि हम इनको कंटेनर्स में ग्रो करें जैसा कि हमने इनको इधर ग्रो किया हुआ है इस तरह जो हम स्क्रीन हाउस में पौधा तैयार करेंगे इसमें बीमारियों के खिलाफ कुत मुदाफ़त ज़्यादा होगी और इसकी जो आ, फील्ड में जो परफॉर्मेंस है वो भी दूसरे पौधों की नस्बत ज़्यादा अच्छी होगी जब बीच से पौधे का उगाव हो जाता है तो छः से नौ माह के दरमियान जब पौधे की ऊंचाई तकरीबन तीन से चार इंच हो जाती है तो हम इसको इस मोमी लिफाफे जिसको पॉलीथीन बैग कहते हैं इसमें शिफ्ट कर देते हैं इसके बाद तकरीबन छः से आठ महीने फिर ये आ, इस, इसमें रहता है और इस तरह इसका जो रूट सिस्टम है इसमें वो जड़ें जो है मज़बूत हो जाती हैं इसकी ग्रोथ मज़ीद तेज़ हो जाती है उसके बाद जब मुफ़िक हालात आते हैं जैसे अप्रैल मार्च अप्रैल के महीने जिनको हम बरसात के महीने कहते हैं या इसके बाद जो जुलाई अगस्त में जब इसमें एक चीज़ होती है जो इस, इसके अंदर जो एक रस रसदार मदा चल रहा होता है उसको एक्टिव साहब कहते हैं जब वो चलना शुरू हो जाता है तो इसके बाद ये पौधा जिसकी तकरीबन मोटाई पेंसिल के बराबर है तो ये ये पैबंदकारी के लिए तैयार हो जाता है फिर हम इसको मुनासिब तरीके से पैबंद लगा देते हैं अब अगला मरल है इसकी पैबंदकारी का तो इसकी पैबंद कारी के लिए रूट स्टाक जो है उस जब वो पेंसिल की मोटाई के बराबर हो जाती है तो सबसे पहले जो है उसमें हम उसके उसको तैयार करते हुए उसके पते उतारते हैं तो ये आप क्लिपर के साथ भी उतार सकते हैं और हाथ से भी अगर उतारना चाहें तो उतार सकते हैं अब ये रूट स्टाक जो है हमारी कलम लगाने के लिए तैयार है तो इसको हम तेज़ धार चाकू से दो तरह के कट लगाते हैं जो ये काट इस तरह लगाते हैं कि ये तकरीबन टी नुमा बन जाए अंग्रेजी खैरफ टी की तरह ये कट लगाने के बाद इसके बाद हम उसका दूसरा हिस्सा जो है रूट स्टाक जो साइन हम इसके ऊपर लगानी है तो हम उसको तैयार करते हैं साइन के लिए ये जो लकड़ी हम लेते हैं इसको तकरीबन गोल होना चाहिए और इस पर सफ़ेद लकीरें होनी चाहिए तो इसको इसके इसी तरह से पत्ते उतार लेते हैं पत्ते उतारने के बाद चाकू से इसको इस तरह से कट लगाते हैं और ये का जब ये कट लगाने के बाद कलम तैयार हो जाती है तो फिर इस कलम को जो हमने कट लगाया हुआ है उसकी छाल को थोड़ा सा ऊपर से लूज़ करके उसके अंदर लगा देते हैं तो लगाने के बाद इसको किसी धागे या जो पॉलीथीन टेप है उसके साथ बांध देते हैं ताकि इसके अंदर मुनासिब मकदार में नमी मौजूद रहे और ये जो क़लम है ये जल्दी सूख ना जाए इसको रैप करने के बाद इसको भी दोनों तरफ़ से धागे के साथ बांध देते हैं तो इस तरह से ये हमारी इस जो फवंदकारी का तरीका ये मुकम्मल हो जाता है दूसरा तरीका जो इसमें जिसको हम चश्मा लगाना कहते हैं या बडिंग कहते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से रूट स्टाक को तेज़ धार चाकू के साथ टी काट लगाते हैं टी काट लगाने के बाद जो साइन वैरायटी है उसका चश्मा उतार लेते हैं चश्मा उतारने के बाद उसके साथ जो जुड़ी हुई सख्त लकड़ी होती है जिसे हड्डी भी कहते हैं उसको उसे अलहदा कर लेते हैं इसको करने के बाद यहाँ पे जो टी काट लगाया हुआ होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तकरीबन तीन से चार हफ्ते के बाद जब ये जो इनका आपस में जोड़ है जिसको हम बाड यूनियन कहते हैं ये जब कंप्लीट हो जाता है ये उसके साथ मुकम्मल तौर पे फिक्स हो जाता है तो उसके बाद ये जो इसके ऊपर पॉलीथीन शीट है और धागा है, इसको हम उतार लेते हैं और उसको मजीद को के लिए छोड़ देते हैं जब वो जो कलम हमने लगाई है या जो आँख लगाई है वो जब उस उस अफज़ाइश शुरू हो जाती है उसमें से तो हम जो रूट स्टाक का दूसरा हिस्सा है वो उससे काट देते हैं जी ये जदीद तरीके से आपको इसको हार्वेस्ट करने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह हम फलों को हार्वेस्ट करें तो इसको हम बचा सकते हैं कि इसके नुकसान ना हो ज़्यादा ये जिस तरह आप पकड़ रहा है इस तरह एक एक फल को हाथ में पकड़ना पड़ेगा कैंची को उसको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी है कि फल को कोई कट ना लगे और फिर उसकी जो डंडी है उसको इस तरीके से काटना है कि मिनिमम उसकी डंडी रह जाए जो दूसरे फ्रूट को पंक्चर ना करे उसके काटने के बाद एक एक फल को अपने बैग में इकट्ठा कर रहा है और इस बैग के अंदर फल इसी तरह महफूज़ हो सकता है कि बजाय इसके कि बहुत बड़ा उसके वज़न वो डाले थोड़ा सा दस ग्राम या पंद्रह किलो या दस किलो अगर वो हो जाएगा तो उसको उस डब्बे में उलट देगा ताकि फ्रूट अपने प्रेशर से या अपने वजन से एक दूसरे को ज़ख़्मी ना कर सके इस तरीके से हम फलों को बचा सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान या इस तरह के दूसरे मुल्क हैं उनमें जब तक ये जदीद तरीके इस्तेमाल नहीं हो सकते उस वक्त तक हमारे ये नुकसान कंट्रोल नहीं हो सकते जो नुकसान है हमारा पंद्रह से बीस परसेंट हमारा फ्रूट ज़ाया हो रहा है इवन कि कई जगह पर तीस परसेंट ज़्याा हो रहा है वो इन तरीकों के ना अडाप्ट करने की वजह से हो रहा है अगर इनको हम अडाप्ट कर लें ये थोड़ी सी मेहनत है उससे हम अपने नुकसान को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं जो हमारा रवायती तरीका है आपने देखा उसके अंदर जब वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर एक तो पौधे का खुद ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि पौधे के ऊपर चढ़ के वो पौधे का नुकसान कर रहे हैं दूसरा फल का नुकसान इस तरह हो रहा है कि फल ऊपर से नीचे गिर जाता है जब जमीन पे गिरता है तो उसको चोट लगती है और वो फल आगे जाके दूसरे फलों को भी खराब करता है फिर जब हम डब्बे में पैक करते हैं उसकी वजह से दूसरे फल भी उससे इफेक्ट होते हैं फिर तो बाद ऐसे फल को पकड़ के खींच भी आ जाता है डंडी उसके साथ आ जाती है वो डंडी फिर आगे दूसरे फलों को नुकसान करने का बायस बनती है तो हम इन तरीक़ों को अगर अवॉइड करें जिस तरह वो बैग इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर कुछ सफाई नहीं है बंदे के हाथों की सफाई नहीं है इन चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो हम नुकसान से बच सकते हैं और इस तरीकों को अगर अडाप्ट करेंगे तो इससे हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से फलों की जो सेहत है या क्वालिटी है उसको हासिल कर सकते हैं हम हार्वेस्ट करके ले आते हैं तो उसको वजन करके लाते हैं बास्केट प्लास्टिक के 20 केजी पर जो है बास्केट उसका वेट होता है तो बाग से ला के हम इसको फैक्ट्री में बाहर से ही उसको ग्रेडिंग करके ले आते हैं उसकी सॉर्टिंग करके ले आते हैं ए ग्रेड और बी ग्रेड अलग-अलग करके ले आते हैं उसके बाद लेबर जो है वो मशीन के अंदर उसको डालती है प्रोसेसिंग मशीन के अंदर तो वहां भी सॉर्ट होता है किनो पहले स्टेप में जो है वो सार्टिंग है फिर उसकी आ, उसको शैम्पू लगा के वाश करते हैं हम इम्पोर्टेड शैम्पू है फिर इसको सार्टिंग वाले लोग बैठे हैं वो सार्ट करते हैं इसको जो ख़राब दाना है वो इसमें से निकालते हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जो पैकिंग होती है वो उसकी बात है तो उसके बाद इसको खुशक करते हैं वो ड्रायर में हम इसको डालते हैं वो ड्रायर से गुजरता है तो उसका टम्परेचर तकरीबन राउंड अबाउट 50 होता है तो वो ड्रायर से खुश होने के बाद फिर किन्नू जो है वो आगे वैक्स के लिए तैयार हो जाता है तो वैक्स भी फोमीसा कंपनी की यूज़ होती है ज़्यादातर इधर हमारे पास ये अपना स्पेन से हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो इसको वैक्स करने के बाद फिर इसका ड्रायर ड्रायर का मसला आता है तो इसको फिर ड्रायर में से गुजरना पड़ता है वैक्स के बाद किन्नु फिर ड्राई हो जाता है उसका टेम्परेचर भी 54, 55 के राउंड अबाउट होता है उसके बाद एक दफ़ा फिर वो छांटी के मराइल से गुजरता है शॉटिंग के मरल से तो लोग उधर बैठे हैं वो उसको पकड़ लेते हैं जो ख़राब होता है उसमें से किन्नू वो शार्ट कर लेते हैं उसमें से फिर आला क्वालिटी का जो किन्नू है वो आगे साइज़र में चला जाता है तो वो साइज़र ऑटोमेटिकली उसको सेवन साइज़ में जो है वो कन्वर्ट कर देता है आ, सेवन साइज में कन्वर्ट करने के बाद वो पैकिंग एरिया में चला जाता है तो पैकिंग के लिए लोग वहाँ बैठे होते हैं तो वो कार्टन में पैकिंग करनी हो या वुडन क्रेट में करनी हो वो उसमें पैक करके उसको साइज़ के हिसाब से वो तकरीबन फोटी एट से हंड्रेड पीसेज तक हम इसको जो है वो पैक करते हैं पैक करने के बाद इसको स्टोरेज का जो है मरला आता है तो स्टोर करते हैं हम इसको 40 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं